आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नजर डालते हैं इस वक्त कुछ अहम खबरों पर। खबर है जनपद रामपुर से। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं एडिशनल एसपी संसार सिंह ने बताया कि रिकवरी एजेंट के एक और हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हत्यारोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार बदमाश ने बीते 17 अप्रैल को रिकवरी एजेंट की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की थी। वहीं हत्या रिकवरी एजेंट की मां के द्वारा 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। यह पूरा मामला विशालपुर कोतवाली से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि इस दौरान एडिशनल एसपी डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि हत्याकांड का आरोपी बाइक पर सवार होकर गाँव की तरफ जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस बदमाश का पीछा किया और रोकने का इशारा किया था, लेकिन बाइक सवार बदमाश ने डांडिया के जंगल में घुसकर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट। थाना बिलासपुर क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 17/4/2022 को संदीप सिंह और दीपो सिंह बिलासपुर से रुद्रपुर जा रहे थे। हाईवे पर उधम सिंह नगर के रहने वाले 6 अपराधियों ने इस पर गोली चलाकर इसकी हत्या कर दी। ये दिन दहाड़े की हत्या थी और अपराधियों द्वारा कानून व्यवस्था को खुला चैलेंज दिया गया था। इसमें जो इनका गैंग सरगना था वो लल्ला यादव और उसका भाई राम प्रकाश यादव है, और ये सभी 6 के 6 अपराधी उधम सिंह नगर के रहने वाले थे। परसों पुलिस मुठभेड़ में लल्ला यादव घायल हो गया था और उसे जेल भेज दिया गया। आज लल्ला यादव का साथी बलराज सिंह और बल्लू पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और उसे भी उपचार के बाद जो जेल भेजा जाएगा। इस प्रकार से जो भी इस तरह के जघन्य अपराध कर रहा है, जो कानून को चुनौती दे रहा है, उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है और ये मैसेज दे रही है कि उधम सिंह नगर से जो भी अपराधी इस तरफ आकर इस तरह का अपराध करेंगे उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी। इनके साथी जो 4 बच गए हैं उन्हें भी जल्दी पुलिस गिरफ्तार करेगी। बताना चाहूँगा कि लल्ला यादव और बलराज सिंह पर 50,000 रुपये का इनाम था और ये खूंखार गैंग उधम सिंह नगर में अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया करता।